स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आदरणीय भाई पंडित गोविंद आर्य प्रभाकर जी, इस समाज के सुयोग्य आदरणीय हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्रातःकालीन वातावरण है, आज साउंड अच्छा है, आज अच्छी सेटिंग आपने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ठीक आ रही है आज तो, बिल्कुल स्वीट, हाँ स्वीटनेस है आज आवाज। प्यारे बंधुओं, जब प्रातःकाल होता है तो मन में बुरे से बुरा व्यक्ति भी होता है, तो कहीं ना कहीं सत्वगुण आता ही है। जैसे जैसे दोपहर होती है वैसे वैसे व्यक्ति के मन में रजोगुण की उत्पत्ति, रजोगुण बढ़ता रहता है। जैसे जैसे शाम होती है, समय बढ़ता है, रात्रि होती है, तो तमोगुण प्रधान हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल में हमें ईश्वर चर्चा और भक्ति की बातें, अध्यात्म की बातें, वेद की बातें प्रायः अच्छी लगा करती हैं। इसलिए आइए मेरे साथ में जुड़ करके कुछ देर चर्चा करते हैं गीतों के माध्यम से। हम भक्ति करते हैं किसकी? जब हम कई बार और जो समुदाय के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आप भक्ति किसको मानते हैं, तो कहते हैं हम भक्ति मानते हैं कि हम उसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और गीत गुनगुनाते हैं, उसको हम भक्ति मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप भक्ति इसको ही मानते हैं तो आपकी भक्ति करने का लाभ क्या है, कि हम तो प्रातः सुबह सुबह स्नान करके, नहा धो करके, अपने घर से थाल सजा करके मंदिर में जाते हैं और अपने देवता को, अपने इष्ट को भोग आदि लगाते हैं, बस यही भक्ति, उनसे आगे वो नहीं जानते। लेकिन जब शास्त्रकारों से पूछा गया, जब विद्वानों से पूछा गया कि भक्ति क्या है और सच्ची भक्ति क्या है और किसकी भक्ति,
तो भक्ति का अर्थ ऋषिवर दयानंद जी महाराज करते हुए लिखते हैं कि भक्ति अर्थात उसकी की आज्ञा का पालन। किसकी आज्ञा का? ईश्वरीय आज्ञा का। या मान लीजिए आप के घर में कोई मेहमान आए, तो आपके घर में मेहमान जैसे हम आए हैं और हम जैसी व्यवस्था आपसे मांगे, जैसी आज्ञा आपको दे, निवेदन आपसे करें, ऐसा आप ना करें और कहते रहे पंडित जी आपका बहुत बहुत सम्मान है, आदरणीय आपका बहुत बहुत सत्कार है, हम आपकी भक्ति करते हैं पंडित जी, लेकिन ये बात हम आपकी नहीं मानते, ये हम स्वीकार नहीं करते, ये हमें जो है अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बताओ ये भक्ति है कि बेइज्जती है? ये भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति के नाम पर ढोंग है, पाखंड है। तो इसलिए भक्ति मतलब उसी की आज्ञा का पालन करें, और कैसे करें कि जैसा ईश्वर है उसको वैसा ही जाने। अच्छा ये बताओ ईश्वर को जानना चाहिए कि मानना चाहिए? जानना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? मानते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि जिस चीज को हमें मानना चाहिए उसको तो हम मानते नहीं हैं, और जिस चीज को हमें जानना चाहिए उसको हम जानते नहीं। अच्छा ये बताओ मौत को मानते हो कि जानते हो? मृत्यु को सभी लोग जानते हैं कि मानते हैं? मानते भी हैं, मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते ईश्वर को मानते लेकिन जानते हैं। मौत को तो सब जानते हैं, हाँ भाई आएगी, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है। बस यही मुश्किल काम है पंडित जी, बस मानने में नहीं आती। कोई व्यक्ति के साथ में जब कोई हमें छोड़ करके चला जाता है तो हम जाते हैं पीछे पीछे, और सगे संबंधियों से जाकर के परिवार में मिलने जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ उनके जाने से। लेकिन पहले लोग एक बात कहा करते थे और शास्त्रकारों ने कही भी है, वैराग्य एक होता है शमशान वैराग्य, कि जब हम शमशान में जाते हैं तो हमें वैराग्य होता है क्या कि भाई एक दिन हमें भी ऐसे ही। लेकिन मैं आश्चर्य की बात आपको बताऊं, आज वो भी खत्म हो गया, अब वो भी नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा। अब तो लोगों के पास में मोबाइल है, वहां भी जाते हैं जल्दी जल्दी करो भैया काम को, आगे की देखनी है कार्यवाही, ये हो गया है अस्तु। तो मैं कह रहा था कि हम किसकी भक्ति करें? ईश्वर की भक्ति करें, और उसकी आज्ञा वेद है, और वेद ने क्या कहा? हम उसकी विशेष भक्ति करें। रोज मंत्रों का पाठ करते हैं ना आप, अर्थों का जब चिंतन करते हैं उसकी विशेष भक्ति करें। लेकिन हम भक्ति करते हैं क्या? हम कहीं और लोगों की भक्ति तो नहीं कर रहे? हम कहीं ऐसे व्यक्तियों की भक्ति तो नहीं कर रहे जिसकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ प्राप्त ना हो? हमारा जीवन व्यर्थ तो नहीं जाएगा, हमारे जीवन में कोई इस प्रकार के कष्ट तो नहीं आएंगे? लेकिन अगर आप अपने जीवन में समस्त कष्टों का निवारण चाहते हैं, अगर समस्त कष्टों को आप दूर भगाना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर के संग में जुड़ना अवश्य ही पड़ेगा। इस दुनिया में परेशान लोग बहुत हैं, क्यों जी है कि नहीं है? जिससे भी पूछो ये परेशानी वो परेशानी। परेशान किसको कहते हैं? परे ईशान, जो ईशान ईश्वर, परे ईश्वर से दूर है, परे है, हट गया है, टूट गया है, वह ही तो परेशान है। इसलिए आप अगर समस्त कष्ट निवारण चाहते हैं तो परमेश्वर के संग में अपने मन को जोड़ दो, अपनी आत्मा को जोड़ दो। बड़ा प्यारा गीत लिखा है कवि ने, ऐ मेरे भोले मनवा, ईश्वर के गीत गाने। आइए मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाना, हो सके मीठी मीठी ताली भी बजाएं तो अच्छा लगेगा, आनंद विभोर हो जाएंगे। ऐ मेरे भोले मनवा, ईश्वर के गीत गाने, मिट जाए कष्ट सारे, आ
कट जाए कष्ट सारे अपना उसे बना ले ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाने ईश्वर के गीत गाने सूरज व चांद तारे उसने बनाए सारे सूरज व चांद तारे उसने बनाए सारे ज्योति से उसकी चमके नभ में ये प्यारे प्यारे हो ज्योति से उसकी चमके नभ में ये प्यारे प्यारे प्रभु नाम की ज्योति से से मन मंदिर जगमगाले ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाले ईश्वर के गीत गाले उसके समान जग में कोई नहीं है दाता दुनिया का है प्राणी उसका दिया ही खाता दुनिया का है प्राणी उसका दिया ही खाता उसकी शरण में आके उसकी शरण में आके जीवन सफल बना ले ऐ मेरे भोले मनवा ईश्वर के गीत गाने ईश्वर के गीत गाने बिगड़ी बनाने वाला संकट मिटाने वाला है नाम उस प्रभु का खुशियाँ लुटाने वाला है नाम उस प्रभु का खुशियाँ लुटाने वाला केवल प्रभु के आगे आ
प्रभु के आगे तू दामन जरा फैला ले ऐ मेरे भोले मनवा। ईश्वर के गीत गाले, ईश्वर के गीत गाले। प्रताप ना चिंता करना, जग रूठ जाए। प्रताप ना चिंता करना, जग रूठ जाए। उस प्यारे प्रियतम से प्रीति न छूट जाए। उस प्यारे प्रियतम से प्रीति न छूट जाए। आनंद घन प्रभु से आनंद घन प्रभु से बस तू लगन लगा ले ऐ मेरे भोले मनवा। ईश्वर के गीत गाले, ईश्वर के गीत गाले। मिट जाए कष्ट सारे मिट जाए कष्ट सारे, अपना उसे बना ले ऐ मेरे भोले मनवा। ईश्वर के गीत गाले, ईश्वर के गीत गाले, ईश्वर के गीत गाले। बोले सच्चिदानंद भगवान की, तो उस ईश्वर की ही हम भक्ति करें। अच्छा, दुनिया में सब लोग सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं। एक प्रश्न आपसे और मैं पूछता हूं, दुनिया के अंदर सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? सुख ज्यादा है और दुख कम है। लेकिन हम और लोगों से पूछना जरा, सब कहते हैं जी बस दुखों भरा संसार है। संसार में तो दुख ही दुख है, सुख तो। लेकिन जब शास्त्रकारों से पूछा गया तो शास्त्रकारों ने जवाब दिया कि संसार में सुख ही ज्यादा है। कैसे? आप यहां पर सुख से बैठे हैं तो मैं जितनी देर बोलूंगा या जितनी देर आपके बीच में प्रवचन या भजन बोल रहा हूं, तो ये बताओ आपको सुख मिल रहा है कि दुख? और सुख की घड़ी कहेंगे कि अभी तो शुरू किया था अब खत्म भी हो गया। या कहीं आप कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देख रहे हैं और उसको देखते देखते आपको 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी बड़ा आनंद आ गया लेकिन समय का पता नहीं चला। आप दिन में काम करके थक चुके हैं, रात्रि में अपनी शैया पर जाकर के लेटे, जैसे ही लेटे तुरंत 5-7 मिनट बाद नींद आ गई और प्रातःकाल आपकी आंखें खुली 5 या 6 बजे और आपने
झट से जैसे आपकी आंखें खुली, आपने व्यतीत जो समय हुआ उसके विषय में सोचा कि अभी तो सोया था, अभी तो, और अभी आंखें खुल गई। आप ये यकीन करना, आप ये अनुभव करना, अगर आपको रात्रि में कोई पीड़ा हो शरीर में, या रात्रि में आपको कोई कष्ट हो या कोई दर्द हो, तो बोलो वो जो रात्रि आप कह रहे हैं कि अभी तो सोया था लेकिन अभी उठ गया, ऐसा लगा इतनी अच्छी नींद आई, अच्छा वो रात्रि कितनी लंबी हो जाती है, पहाड़ जैसी लंबी रात्रि, आज तो भैया कटे न कटे समय, आज तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो वो जो 7-8 घंटे हैं वो आपको पता नहीं चले क्योंकि वो सुख के थे, लेकिन जो दुख के हैं वो समय बड़ा धीरे धीरे व्यतीत होता प्रतीत होता है, इसलिए दुख ज्यादा लगता है, अंततः सुख जाता है। अच्छा सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है? जिस लोगों के पास में हम बैठते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अच्छा परमेश्वर को लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा दुख दिया, मैंने कहा परमेश्वर के पास दुख है ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद है। जिसके पास जो वस्तु होगी वो वही तो वस्तु देगा, जिसके पास जो नहीं वो कैसे देगा? ये हमारे कर्मों का फल परमात्मा देता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, हम उसकी ही क्या करें अगर सुख चाहते हैं। लेकिन हम सांसारिक लोगों की भक्ति ज्यादा करते हैं, किसी अच्छे विधायक से, किसी अच्छे नेता से, बड़े नेता से अगर हमारे संबंध हो जाते हैं, या संसार के कोई बड़े व्यक्ति से हमारे संबंध हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम तो बड़े पावरफुल हैं। आपने देखा होगा जो बड़े नेता होते हैं, जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, वो तो कम अकड़ते हैं, लेकिन जो उनके चेले चपाटे होते हैं उनमें ज़्यादा अकड़ होती है कि नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इनके साथ हैं, और वो ज़्यादा अपने को दिखाते हैं, वो बल्कि कम दिखाते हैं थोड़ा। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़े हैं जो हम जैसा ही व्यक्ति है, लेकिन उसके पास में थोड़ी शक्ति हमसे ज़्यादा है, राजनीतिक पावर है, सामाजिक पावर है, उसके संग में लग करके हमें ऐसा लगता है मानो हम में ही पावर, अच्छा महसूस करते हैं। तो जो सबकी पावर है, जिसके होने से सब है, जिसकी दी हुई शक्तियों से ही कार्य हो रहा है, उस पावर के साथ में अगर हम जुड़े तो कितनी शक्ति हमारे अंदर होगी। ऋषि दयानंद ऐसे ही बनते, महापुरुष बनते, क्योंकि उस शक्ति का हम अनुभव नहीं करते बंधु। उस शक्ति को अनुभव जिस दिन हमने कर लिया, उस दिन ये सांसारिक लोग हमें बड़े नहीं लगेंगे, बड़े छोटे लगेंगे। एक बार अकबर ने तुलसी को कहा था कि तुलसी मैंने तुम्हारी बहुत बड़ाई सुनी है, बहुत प्रशंसा सुनी है, तुम बहुत अच्छी रचना रचते हो, तुम बहुत बड़े कवि हो, महाकवि हो, बड़े छंदों का तुमने सृजन किया है, बड़े दोहों का तुमने निर्माण किया है, बड़े काव्य को तुमने रचा है, बड़ी चौपाइयां लिखी हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे विषय में भी 2-4 पंक्ति लिख दो ना। क्योंकि बड़ा व्यक्ति ये पहले राजा महाराजाओं के जो दरबारी कवैये होते थे वो क्या करते थे, राजाओं की प्रशंसा में एक से कविता बांधते। आज भी जो राजनीतिक कहीं कार्यक्रम होता है तो नेताओं के गीत गाने वाले कितने हैं, खूब हैं, अजी आप तो ये हैं वो हैं, आपसे तो बड़ा कोई संसार में नहीं है। हम भी कई बार गलतियां कर बैठते हैं बंधु। कैसी गलती? अच्छा संसार में परमेश्वर से बड़ी कोई शक्ति है क्या? कोई शक्ति नहीं है। हम जब यज्ञ करते हैं, प्रातःकाल हमने ब्रह्म यज्ञ किया, उसके बाद में हम देव यज्ञ करते हैं, जिन मंत्रों का हम पाठ करते हैं उन मंत्रों में प्रार्थनाएं हैं, स्तुति है, उपासना भी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, यहाँ का मुझे पता नहीं है, यहाँ तो आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े अच्छे आध्यात्मिक स्तर के लोग हैं, बंधु हैं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं जब ईश्वर स्तुति के मंत्रों का पाठ करते हैं, संध्या के मंत्रों का पाठ करते हैं, तो लोग अन्यत्र क्रियाकलाप करते रहते हैं, कभी ये उठा लिया, ये यहाँ रख दिया, एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं। देखो
जब हम ईश्वर स्तुति मंत्रों का पाठ उच्चारण करते हैं तो हमें इधर उधर की बातें और ध्यान को अपने उन मंत्रों के अर्थों में विचारना चाहिए। और अगर हम इधर उधर के क्रियाकलाप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये सीधा सीधा ईश्वर का अपमान है। छोटा सा उदाहरण ले लें, मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बातें ना सुन करके आपस में बात करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, इधर उधर देखने लगे, तो ये मेरी भक्ति है या मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है या मेरा अपमान हो रहा है? मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए और आप वैदिक विद्वान को छोड़कर के उनके पीछे दौड़ जाए, मैं बोलता रह जाऊं, तो ये मेरा अपमान है क्या है? ऐसे ही आपने देखा होगा मुसलमानों में जब अजान होती है तो कोई व्यक्ति चुप हो जाते हैं, कहीं भी बैठे हुए साइलेंट, अभी वो उनकी मान्यता है। हम भी जब ईश्वर की भक्ति करें, मंत्रों का पाठ करें, इनमें विचार करें कि हम क्या कह रहे हैं और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम अपमान तो नहीं कर रहे? क्या हमारे यज्ञ में कोई कमी तो नहीं है? अगर हम ये कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम भक्ति नहीं कर रहे, केवल और केवल भक्ति का दिखावा। अंतःकरण से जब आप भक्त बनेंगे तब आपको ये चीजें अनुभव होंगी। तो अकबर ने कहा कि मेरे विषय में भी लिख दो, तो कहता है तुलसी के, आपने ठीक सुना महाराज के मेरी काव्य की प्रतिभा सुनकर के लोग मेरी प्रशंसा तो करते हैं, परंतु एक बात आपसे मैं कह देना चाहता हूं कि ये जो मेरी वाणी है, मेरी जो लेखनी है, वो राम का गुण गा करके पवित्र हो गई है, ईश्वर का गुण गा करके पवित्र हो गई है, इसलिए अब सांसारिक लोगों की भक्ति, सांसारिक लोगों के गुण गाने में मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता, इसलिए आपकी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं। तो कोई और व्यक्ति होता, कह देता जी क्या बात कर रहे हो, राजा है, बड़े हैं, मुझे पता नहीं क्या इनाम दे दें, मुझे पता नहीं कितना धन दे दें, मुझे वो दे दें, लिख दो दो चार, क्या दिक्कत है? लेकिन ये जब तक अंतर आत्मा में हमारे दृढ़ता ईश्वर के प्रति नहीं आएगी, तब तक हम संसार के अंदर ईश्वर भक्त कहलाने लायक नहीं है। बंधु, ऋषि दयानंद भी तो प्रशंसा कर सकते थे, लेकिन वो दृढ़ता ईश्वर से जुड़े हुए डायरेक्ट कनेक्शन हमारे अंदर जब तक नहीं होगा, तब तक हम ऐसे गीत गाते रहेंगे, लेकिन असली भक्त ऋषि अगर थोड़ी सी भी बड़ाई करते ना, तो आज जितने संख्या में हम बैठे हैं ना, इतनी में ना होते, कहाँ होते? बड़े बड़े हमारे आश्रम होते, बहुत बड़ी हमारी जो है प्रॉपर्टीज होती, बहुत बड़े हमारे मंच होते, और ऋषि दयानंद के हजारों मंदिर इस देश में होते और हजारों ही देश मंदिर विदेशों में होते, कलियुगों का अवतार उनको घोषित कर दिया जाता अगर वो प्रशंसा में पड़ते किसी सांसारिक व्यक्ति के, लेकिन नहीं, वो ब्रह्म में आनंद में वो अपने जीवन को उन्होंने लगाया और परम पद को प्राप्त किया। नहीं तो सांसारिक दौलत तो हमको मिल जाएगी, लेकिन वो दौलत जो असली है वो, इसलिए किसी ने कहा था, तरक्की की फसल तो हम भी काट लेते, तलवे किसी के हम भी। तो आइए छोटा सा गीत है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, न छोड़ी वासना घर छोड़ वन धाया तो क्या धाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य के बल पाप मन भाया तो क्या भाया, ना गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, हृदय मो हक गगन चुंबी भवन अप
ना बनाने को हृदय मो हक गगन चुंबी भवन अपना बनाने को किसी दुखी या निर्बल का झोंपड़ा ढाया तो क्या ढाया ना गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया ना भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया प्रकाशानंद तो जब है कब है आनंद प्रकाशानंद तो जब है खिला औरों को पहले प्रकाशानंद तो जब है खिला औरों को पहले मधुर भोजन अकेले आ खुद खाया तो क्या खाया ना गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया ना भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया ना गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया। बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की। तो इसलिए हम किसकी भक्ति करें? परमेश्वर की ही भक्ति करें, उसी की उपासना करने योग्य है, अन्यथा की उसी की आज्ञा की पालन करने में हम जीवन व्यतीत करें। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हम मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की। गुरु विरजनन जी महाराज की। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, वैदिक अभिवादन। आप सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद।